ओके तो फिर 12 बजे रात में जो डील्स आज रिवील हुए हैं उनको देखते हैं, और एक दो स्मार्टफोन लॉन्चेस एक्स्ट्रा कंफर्म हुए वो देखेंगे। अच्छा पहले ये बताओ कि डीजो वॉच 2 किसी को मिला क्या, और अगर मिला तो किस कलर में मिला? सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस, मुझे नहीं लगता कि सारे कलर ऑप्शंस आए भी हैं, ट्विटर पे भी देखा मैंने। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज डे था इन्फिनिक्स का, तो इन्फिनिक्स के ऑफर रिवील हो गए। हॉट 10 प्ले 464 वेरिएंट, सिर्फ 799 का, ठीक है, अच्छी डील है। स्मार्ट 5 है, सिर्फ 6500 का। इसका स्टोरेज वेरिएंट कम है तो वो देख लेना। स्मार्ट 5 699 का। इन्फिनिक्स के फोन्स आजकल लोग लेने लगे हैं, अगर आपको शक है या कुछ वैसा है तो इन्फिनिक्स के फोन्स आजकल लोग लेने लगे हैं क्योंकि इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। हॉट 10 एस 9,500 का, G85 वगैरह। अब देखो इंडिया में लोग क्या देखते हैं, प्रोसेसर बैटरी है ना, स्क्रीन आजकल देखने लगे। हॉट 11 एस सिर्फ 10,999 में, G88, ये रेडमी 10 प्राइम, ये न्यू लॉन्चेज हैं तो इनमें तो कोई ऑफर नहीं है, लेकिन कार्ड डिस्काउंट लगेंगे अगर आपके पास ICICI का डेबिट क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, या पेटीएम वॉलेट और UPI बेस्ड, ठीक है। हॉट 11 8,999, इसमें भी G70 है, तो प्रोसेसर सही देते हैं ये लोग आजकल हॉट 10 वगैरह से। हॉट सीरीज, स्मार्ट सीरीज में अभी तक अच्छे प्रोसेसर नहीं आए लेकिन, और ये भी बहुत अच्छा फ़ोन है, याद है मुझे इसकी तो कुछ कुछ इंटरनेशनल यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई थी। तो ये हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। लॉन्चेस देख लेते हैं जो 2 कंफर्म हुए। पहला ये है ओप्पो F19S, ये दिवाली एडिशन, ये गोल्डन एडिशन, लाइट दिया क्या बोलते हैं उसको, हाँ दिया, मिर्जा नहीं दीप दिया जो भी, उसका कलर, उसका लाइट एक्सप्रेस करता है। 6 Pro 5G भी दिवाली एडिशन में लॉन्च होगा, और एनको बर्ड्स जो लॉन्च हो चुके हैं वीडियोस देख ही ली होगी आप, सही वीडियो लगी मुझे तो। 5,000 mAh की बैटरी, 33 वॉट फास्ट चार्ज, ग्लो डिज़ाइन वगैरह देख लो एक बार और। हाँ ब्लैक, ब्लैक कलर होना ही चाहिए, बहुत लोग अभी भी स्टेल्थ के लिए ब्लैक प्रेफर करते हैं। 7.95 mm थिक कर्व्ड बॉडी। एक समय था जब 9.9 mm के फ़ोन भी थिक नहीं होते थे। और एक ये लॉन्च कन्फर्म हुआ, वीवो का भाई ओप्पो, ओप्पो का भाई वीवो, तो वीवो X70 सीरीज़ 5G, और सीरीज़ है तो नॉर्मल और प्रो दोनों लॉन्च होंगे। ये तो प्रो की फ़ोटो है, ठीक है, तो पूरा कैमरा बेस्ड फ़ोन है ज़ाइस के साथ। अच्छा एक बात और, ओप्पो और वन प्लस अब सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अगले साल से, तो आपको क्या लगता है, मतलब ओप्पो की जो इमेज है वो क्या और अच्छी होगी आपके माइंड में, या वन प्लस की इमेज खराब होगी? ठीक है जैसे ओप्पो का कलर ओ एस को अच्छा नहीं है, ये है वो ऐसा बोलते हैं, और वन प्लस का ओ एस की सब बहुत बड़ाई करते हैं, तो अब जब दोनों एक हो जाएंगे तो ओप्पो का लेवल ऊपर होगा और वन प्लस का नीचे आएगा, मतलब क्या सीन है, आप क्या सोचते हो? ठीक है इसमें बस ज़बरदस्त कैमरा है, इसके ऊपर फुल वीडियो भी आएगी क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो गया है, तो एक फुल डिटेल्स वाली वीडियो आएगी, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, और काफ़ी रात हो गई। गुड नाइट, और सुबह देख लो तो गुड मॉर्निंग, बाय।